दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित पूर्वांचल संग्रहालय के तत्वाधान में शुक्रवार को एक दिवसीय टेराकोटा शिल्प प्रदर्शनी धरोहर का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कुलपति ने स्वर्गीय श्री मोहन सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान ललित कला के छात्रों द्वारा टेराकोटा से निर्मित गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह का अनावरण कुलपति द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्वांचल संग्रहालय की निदेशिका प्रोफेसर नंदिता सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रदर्शनी धरोहर के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। अपने उद्बोधन में कुलपति ने टेराकोटा एवं देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शिल्प की पारंपरिक कलाओं के इतिहास की चर्चा करते हुए उसके समसामयिक प्रयोगों पर बल दिया। वहीं संग्रहालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर राजवंत राव ने गया में स्थित सूर्य की प्राचीनतम मूर्ति के आधार पर निर्मित उषाकाल की काष्ठ की प्रकृति एवं ई सन की अयोध्या राज खलवी देव के काल के सिक्कों को पूर्वांचल संग्रहालय में भेंट के रूप में दिया। आपको बता दें कि टेराकोटा प्रदर्शनी धरोहर में विशेष रूप से निमंत्रित औरंगाबाद निवासी प्रसिद्ध शिल्पकार रामचंद प्रजापति एवं उनकी पत्नी विलासी देवी को विश्वविद्यालय के कुलपति ने सम्मानित किया। प्रदर्शनी में टेराकोटा से निर्मित हाथी, घोड़े, कछुए, मानव आकृति, बौद्ध प्रतिमा, झूमर, फूलदान आदि ने लोगों का आकर्षित किया। टेराकोटा से संबंधित विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बनाई गई रंगोली एवं पेंटिंग भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। इस अवसर पर प्रोफेसर ओपी पांडे, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, प्रोफेसर हुमा शब्दपोष, प्रोफेसर शीतला प्रसाद, प्रोफेसर नूतन त्यागी, प्रोफेसर सुधा यादव, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा, प्रोफेसर शिखा सिंह, प्रोफेसर अवनीश राय, प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह सहित मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय की छात्राएं अभिलाषा मिश्रा, शिवांगी मिश्रा और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा। बदलते परिवेश में
ये संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। Why can't tradition walk with us today? ये इस चीज को हम लोगों को समझना है और गौर करना है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से टेराकोटा शिल्प के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रयास किया गया है। इससे संबंधित इतिहास, रचना प्रक्रिया, विशेषताएं इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत की गई हैं। शिल्पकार श्री रामचंद्र प्रजापति का लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे इस पर प्रयास को सार्थक बनाएगा, यह हमारा विश्वास है। टेराकोटा में नवीन प्रयोग एवं काउंसलिंग डेस्क पर दैनिक जीवन एवं आंतरिक बाह्य सज्जा में टेराकोटा का उपयोग से आपको अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय छात्रों द्वारा टेराकोटा शिल्प को समर्पित रंगोली एवं चित्रकला की प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय है। मैं चाहूंगी कि आप गर्तन ध्वनि से इस चीज का सराहना करें। ये तांबे की पांच मुद्राएं हैं जो 19वीं सदी के आसपास सही उदाहरण का, और ये अयोध्या के शासक फल्गुनि देव का की मुद्रा है। ब्राह्मी लिपि में जो हिंदुस्तान की प्राचीनतम लिपि है उसमें ये मुद्रा है। मैडम नंदिता सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि ग्लास में फ्रेम करा के उसे संग्रहालय की निदेशक प्रोफेसर नंदिता सिंह जी, इस विश्वविद्यालय से हमारे जुड़े हुए हमारे आचार्यगण और विशेष रूप से प्रोफेसर राजेंद्र राव जी का, जिन्होंने अपनी कुछ अमूल्य कृतियाँ इस संग्रहालय को भेंट स्वरूप प्रदान की हैं, जिससे ये पूर्वांचल संग्रहालय और समृद्ध होगा और हमारा गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग अब ये बन गया है। जब से पिछले एक वर्षों से ये खुला है तब से इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, इसलिए पूर्वांचल संग्रहालय से जुड़े हुए सभी सदस्यों को, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों आचार्यगणों को मैं हार्दिक धन्यवाद एवं उनका अभिनंदन करता हूं कि इस अवसर पर एक टेराकोटा का जो यहां की शिल्पकार की एक इस क्षेत्र की विशेषता है शिल्प की, उसको एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। प्राचीन काल से ही भारत की शिल्पकला पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही है और मूर्तिकला जब बहुत प्राचीन, जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस समय जो भाषा थी, स्क्रिप्ट थी, वो तो अभी पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन तत्कालीन तत्समय में जो मूर्तिकला था उसके माध्यम से हम उस समय की संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं और मूर्तिकला के माध्यम से हमारे देश में जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, देवी देवताओं का प्रदर्शन किया जाता रहा है और हम कितनी हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति की जड़ें, इस देश की जड़ें कितनी गहरी हैं, मूर्तिकला के माध्यम से ही हमारे विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शित होती रही हूँ। चाहे वो गुफा में मूर्तियों का निर्माण किया गया हो अजंता एलोरा में, या कोणार्क मंदिर में रामेश्वरम हुआ, काशी हुआ, इन सब जगहों पर देखेंगे तो प्राचीन काल से ही मूर्तियों के जरिए वहाँ की संस्कृति को उजागर किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर का भी एक विशेष महत्व रहा है। इस पूर्वांचल के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र गोरखपुर के से जुड़ा हुआ औरंगाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की टेराकोटा की मूर्तियाँ और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और हमारे बीच में दो हमारे सम्मानित सदस्य भी उपस्थित हैं जो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए, टेराकोटा से जुड़े हुए एक हमारे मूर्तियों का निर्माण करके पूरे विश्व में अपनी ख्याति बनाए हुए हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हमारे बीच उपस्थित हमारे कुलसचिव महोदय,
जो सबके पीछे डायरेक्टर की तरह से रहते हैं, शांत अपनी तरह शांति भाव से सारी व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और टेराकोटा की एक जो विशेषता है यहाँ की कि हमारे विशेष तरह की सिरेमिक टाइल्स के जरिए, ये मिट्टी के जरिए बनाया जाता है और इसका कलर भी देखिए तो बहुत आई कैचिंग है और रेड और ब्रिक से मिलता हुआ है। अगर फिजिक्स के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि विवग्योर में रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और रेड जो कलर जो है सबसे ज़्यादा आई कैचिंग होता है। आप देखेंगे तो जितने भी महत्वपूर्ण संकेत हैं वो लाल या ब्रिक कलर से ही दिखाए जाते हैं ताकि सबकी निगाह उस पर पड़ सके। तो एक साइंटिफिक दृष्टि से भी ये कलर अधिकतर वो ब्रिक कलर में या रेड कलर में ही मूर्तियाँ दिखाई जाती हैं। मैंने लखनऊ में भी देखा, विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी देखा है और देश के अन्य क्षेत्रों में भी देखा है कि यह मूर्तियाँ जगह जगह प्रदर्शित की जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण शोरूम में, बड़े बड़े होटलों में टेराकोटा की मूर्तियाँ रखी रहती हैं और विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। इस व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका जीवन यापन भी करती है ये और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है। इसलिए इस अवसर पर मैं इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे निर्माता निर्माण करने वाले हमारे कारीगर हैं, आर्टिस्ट हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भविष्य में इस तरह के आयोजन और होते रहें इसके लिए मैं पूर्वांचल संग्रहालय के जुड़े हुए जितनी भी टीम है मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले और उसके उपरांत में अपनी टीम एलोवेरा और तुलसी फर्नीचर सेट है सर। इसमें ये दिखाया गया है कि इसमें लिविंग रूम है और डाइनिंग एरिया है और एक मास्टर बेडरूम है, फिर दूसरा भी बेडरूम है, एक चिल्ड्रन रूम है और बालकनीज है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो जितने भी टेराकोटा वाले चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ रखनी चाहिए और उसके क्या क्या पर्पस होते हैं वो आपको शिवांगी बताएंगी। सर इस घर में जितनी भी टेराकोटा के प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ रखेंगे वास्तु के हिसाब से वो बताए हैं। इधर साउथ ईस्ट साइड में एलोवेरा प्लांट रख सकते हैं ड्राइंग रूम में, टॉर्टोइज रख सकते हैं और फिश रख सकते हैं, सबका अलग अलग मायने है। जो एलोवेरा है वो हेल्थ के लिए है और हैप्पीनेस के लिए है, पॉजिटिविटी देता है, और जो टॉर्टोइज और फिश है वो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए है। और यहाँ पे हम एंट्रेंस पे हाथी रखते हैं ईस्ट फेसिंग करके, जो पॉजिटिव वाइब्स घर में लाते हैं।
होता है। और हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड में बालकनी है जहाँ हम तुलसी का पेड़ रखते हैं, जिसका रिलीजियस एस्पेक्ट है, मेडिसिनल एस्पेक्ट है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उससे। टेराकोटा हमारे पूर्वांचल की एक विशेषता है जो औरंगाबाद के क्षेत्र में विशेष रूप से कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है। इस अवसर पर हम उस क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ जो कारीगर हैं उनको विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है। एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस पूर्वांचल संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर नंदिता सिंह ने विशेष प्रयास करके अमूल्य कृतियों को यहाँ प्रदर्शित किया है और हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक धरोहर के रूप में यह पूर्वांचल संग्रहालय स्थापित हो गया है। और आज इस अवसर पे जो टेराकोटा से जुड़ी हुई जो शिल्पियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, उनके माध्यम से इस क्षेत्र की विशेषता के बारे में प्रदर्शन दिखाया गया है और यहाँ के जनता और विशेष रूप से प्रदेश और देश की जनता के बीच में टेराकोटा के महत्व को दर्शाते हुए उनके बीच में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।